hello students today we are going to start question number nine exercise 4.3 quadratic equations class 10th we are following ncrt book look at the question on the board two water taps together can fill a tank in nine is to three by eight hours two water taps milker a water tank cook it in there may karti hai? 75 by 8 hours may the tap of larger diameter takes टेन आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली टैप जिसका डायमीटर बड़ा है वो दस घंटे कम लगाती है दूसरी टैप जो छोटी है उससे अगर अलग अलग वो टैंक को फिल करती हैं मतलब क्या हुआ अगर बड़ी टैप और छोटी टैप दोनों अलग अलग टैंक को फिल करेंगी तो ऑब्वियसली बात है बड़ी टैप जल्दी फिल करेगी ये कितना जल्दी फिल करेगी दस घंटे जल्दी फिल करेगी ये गिवन है हमें फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक और हमें क्या निकालना है दोनों टैप्स सेपरेटली टैंक फिल करने में कितना कितना टाइम लगाती हैं तो चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है स्टार्ट करते हैं हमें निकालना क्या है कि कितना टाइम दोनों टैप्स लगाती हैं टैंक को फिल करने में तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे यहीं से सपोज करते हैं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप डायमीटर में यूज नहीं कर रहा हूं स्मॉलर टैप का मतलब वही हो गया जाएगा स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली मान लेते हैं कि छोटी टैप जो है टैंक फिल करने में कितना टाइम लगाती है एक्स एक्स आवर्स लगाती है ओके तो टाइम टेकन एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली ये बिल्कुल उसी तरह से ही मैं लिख रहा हूं जैसा आपने एग्जाम में अटैंप्ट करना है तो ध्यान से देखना है कि छोटी टैप अगर एक्स आवर्स लगाती है तो बड़ी टैप कितना लगाएगी हमें गिवन है टेन आवर्स लेस अगर ये एक्स आवर्स लगाती है तो ऑब्वियसली ये कितना लगाएगी एक्स माइनस टेन आवर्स यहाँ तक क्लियर है चलिए अब हमें क्या करना है थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं कि इसी दोनों लाइंस को मैं थोड़ा सा घुमा के लिखने वाला हूँ कैसे अभी देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा मैं इसको क्लीन कर रहा हूं हमने क्या सपोज किया था कि छोटी टैप जो है वो एक्स आवर्स में टैंक को फिल करती है तो मैं कैसे लिख रहा हूं ये देखिए यानी कि इन एक्स आवर्स एक्स घंटों में यानी इन एक्स आवर्स टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू वन देखिए लाइन में कुछ फर्क नहीं है बड़े ध्यान से देखिए पहले हमने सपोज किया था कि एक टैंक स्मॉलर टैप फिल करने के लिए एक्स घंटे लगाती है उसी को उल्टा करके लिखा कि एक्स घंटों में कितना टैंक फिल करती है स्मॉलर टैप एक टैंक फिल करती है तो एक घंटे में इन वन आवर टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप विल बी वन बाई एक्स ये एक्स नीचे आ जाएगा छोटी क्लासेस में बिल्कुल इसी तरह से कंसेप्ट करते थे हमें कितने आवर गिवन है क्वेश्चन में सेवेंटी फाइव बाई एट आवर्स तो बताइए सेवेंटी फाइव बाई एट आवर्स में कितना टैंक ये टैप फिल करेगी सेवेंटी फाइव बाई एट मल्टीप्लाई वन बाई एक्स यानी कि सेवेंटी फाइव बाई एट एक्स तो मतलब क्या हुआ अगर छोटी टैप को 75 फाइव बाई एट आवर्स तक चला दें तो वो इतना टैंक फिल करती है राइट और अगर मैं सेम स्टेप्स से रिपीट करूं यहां x है तो दूसरा हमारे पास था इन एक्स माइनस टेन आवर्स टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप तो बड़ी टैप एक टैंक एक्स माइनस टेन आवर्स में फिल करती है और एक घंटे में कितना टैंक फिल करेगी वन बाय एक्स माइनस टेन और सेवेंटी फाइव बाई एट आवर्स अगर बड़ी टैप चलेगी तो वो कितना टैंक फिल करेगी सेवेंटी फाइव बाई एट और नीचे ही एक्स माइनस टेन आएगा बिल्कुल सेम स्टेप्स से, हैं यहाँ पर सेवेंटी फाइव बाई एट एक्स यहाँ सेवेंटी फाइव बाई एट इंटू एक्स माइनस टेन बड़े ध्यान से समझिए कि सेवनटी फाइव बाई एट आवर्स अगर छोटी टैप चली तो इतना टैंक भर दिया सेवनटी फाइव बाई एट आवर्स तक बड़ी टैप चली तो उसने इतना टैंक भर दिया सेवेंटी फाइव बाई एट आवर तक अगर दोनों टैप्स चल गई तो कितना टैंक भरेगा एक टैंक भरेगा तो अब ध्यान से देखिए मैं आगे कौन सा स्टेप करने वाला हूँ यही लास्ट में जो लाइन मैंने बोली है उसी लाइन को यूज़ करेंगे मेन कंसेप्ट क्या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन व्हाट इज द कंडीशन गिवन कि सेवनटी फाइव बाई एट आवर तक जब दोनों टैप्स चलेंगी तो एक टैंक पूरा भर जाएगा तो देखिए क्या बनाया हमने सेवनटी फाइव बाई एट एक्स यानी कि छोटी टैप ने इतना टैंक फिल किया बड़ी टैप ने इतना टैंक फिल किया दोनों को ऐड किया तो पूरा टैंक बन गया बिल्कुल बन गया सेवनटी फाइव बाई एट कॉमन निकाल लीजिए तो हमारे पास क्या बनेगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टेन राइट और मैं इसको आगे स्टेप क्या कर रहा हूँ वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू एट बाई सेवेंटी फाइव इसको आगे सॉल्व करना है लेकिन यहाँ पे मैं एक ख़ास बात जरूर बताने वाला हूँ आपको क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जितने स्टेप्स हमने किए हैं ये बिल्कुल कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए किए हैं अब आपको एक एक चीज़ क्लियर है कि ये चीज़ बनी कैसे लेकिन कई बार बीच में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में भी पेपर में टाइम कम बच जाए तो जब हम सपोज करते हैं कि स्मॉलर टैप एक्स आवर्स में फिल करती है लार्जर टैप एक्स माइनस टेन आवर में और टोटल टाइम सेवनटी फाइव बाई एट गिवन है तो देखिए सबका उल्टा है यहाँ पर एक्स था तो उसका वन बाई एक्स है एक्स माइनस टेन था तो उसका वन बाय एक्स माइनस टेन है और वहाँ पर सेवेंटी फाइव बाई एट आवर था तो उसका उल्टा एट बाई सेवेंटी फाइव है देखिए है ना बिल्कुल सेम तो अगर कहीं कंपिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए या किसी जगह पर आपको जब टाइम कम हो और जल्दी करना पड़े तो ये डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं आपको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख के यहाँ तक पहुँचा जा सकता है लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप सारे स्टेप्स लिखिए वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टेन इज़ इक्वल टू एट बाई सेवेंटी फाइव तो आगे इसको चलिए सॉल्व करते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एल सी एम तो ये बन गया एक्स माइनस टेन प्लस एक्स इक्वल टू एट बाई सेवेंटी फाइव एक्स प्लस एक्स कितना बनेगा टू एक्स माइनस टेन सेवेंटी फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और राइट right साइड में एट के साथ एक्स इन टू एक्स एक्स केयर माइनस टेन एक्स तो इसको अब आगे सॉल्व करना है हमें देखते हैं क्या बनता है सेवेंटी फाइव इंटू टू वन फिफ्टी एक्स माइनस सेवन फिफ्टी एट एक्स स्केयर माइनस एट्टी एक्स चलिए इधर लेफ्ट साइड में जीरो लिख रहा हूँ मैं सारी वैल्यूज राइट साइड में ले चलते हैं देन विल सी कि कैलकुलेशन में आगे क्या पेंडिंग है माइनस वन फिफ्टी हो जाएगा इधर आके या माइनस सेवन फिफ्टी राइट साइड में जाके प्लस का सेवन फिफ्टी एट एक्स वन फिफ्टी और एट्टी इनको ऐड करेंगे तो बनेगा माइनस टू थर्टी प्लस सेवन फिफ्टी देखिए टू से डिवाइड हो रहा है तो हम टू से डिवाइड कर देते हैं वी विल गेट फोर एक्स स्यर माइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री फाइव तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फोर एक्स स्वयर माइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो चलिए अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है फोर एक्स की माइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन एक्स प्लस हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो को करके करने वाले हैं इस क्वेश्चन को देखिए प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए थ्री फाइव को फोर से मल्टीप्लाई किया तो फिफ्टीन हंड्रेड और सम करके कितना आना चाहिए माइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने जिनको प्रोडक्ट करें तो फिफ्टीन हंड्रेड आए और ऐड करें तो माइनस वन फिफ्टीन आए तो देखिए क्या बनेंगे हमारे पास माइनस हंड्रेड और माइनस फिफ्टीन और यहां पर देखिए माइनस हंड्रेड माइनस फिफ्टीन राइट तो ये स्प्लिटिंग हमारी बिल्कुल ठीक तो इसी को कंटिन्यू करते हैं फोर एक्स के माइनस हंड्रेड एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री सेवेंटी फाइव इक्वल टू ज़ीरो तो फर्स्ट टू में हमारे पास फोर एक्स कॉमन क्या बचेगा एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव और आगे वाले में हमारे पास माइनस फिफ्टीन कॉमन तो बनेगा एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव सो वी गेट फोर एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से दो वैल्यूज़ एक्स की आएँगी सॉल्व करने से एक फिफ्टीन बाई फोर और दूसरी आएगी ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन बाई फोर रिजेक्ट हो जाएगी क्यों रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था टाइम एक्स माइनस टेन अगर मैं फिफ्टीन बाई फोर में से टेन माइनस करूँगा तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा जबकि टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता इसलिए फिफ्टीन बाई फोर हम रिजेक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा एक्स की वैल्यू क्या आएगी ट्वेंटी फाइव आवर्स यानी कि स्मॉलर टैप कितना टाइम लगाती है ट्वेंटी फाइव आवर्स ये स्मॉलर टैप का टाइम है और जो लार्जर टैप थी उसका लार्जर टैप के लिए टाइम था x माइनस टेन यानी कि ट्वेंटी फाइव माइनस टेन यानी कि लार्जर टैप कितना टाइम लगाएगी फिफ्टीन आवर्स तो ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिफिकल्ट लगता है लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं स्टार्टिंग से लेकर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है क्रैम नहीं करना वो इक्वेशन कैसे बनी थी पूरा स्टेप समझने हैं कि दोनों टैप्स का सेवेंटी फाइव बाई एट आवर्स का अलग अलग देखा कि वो कितना टैंक फिल करती हैं फिर उनको ऐड करके इक्वल टू वन लिखा तो चलिए एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह गया चलते हैं इलेवंथ क्वेश्चन पे इलेवंथ क्वेश्चन रीड द स्टेटमेंट सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू इज स्केट मीटर स्केर If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of two squares. दो squares हैं और दोनों की sides निकाल दी हैं ध्यान से देखिए हम इसको कैसे करेंगे Let side of square वन is x meter and side of square टू let's suppose I suppose it as फाइव meter. और साथ में मैं ये भी सपोज कर लेता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y. स्केयर की चारों साइड्स ही बराबर होती हैं ये आपको पता होगा तो हम अभी करना क्या है कंडीशन वन देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन समरियाज ऑफ टू स्केयर्स दोनों के एरियाज का सम अब एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है साइड का स्केयर करना यानी कंडीशन वन क्या कहती है पहले इस स्केयर का एरिया निकालेंगे तो वो एक्स स्केयर होता है दूसरे स्केयर का एरिया निकालेंगे तो वो वाई स्केयर होता है और दोनों का सम यानी कि प्लस का निशान लगा दीजिए क्योंकि ऐड करना है ये किसके इक्वल दिया हुआ है फोर सिक्सटी एट मीटर स्केयर तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या है डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर्स अब पैरीमीटर स्केयर का क्या होता है फोर टाइम साइड और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है ट्वेंटी फोर यानी कि पहले स्क्यर का मैं पैरीमीटर निकालूँ तो वो फोर एक्स आएगा दूसरे का फोर वाई आएगा और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है ट्वेंटी फोर मैंने फोर एक्स पहले क्यों लिखा है क्योंकि एक्स वाई से बड़ा दे रखा है अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं डिवाइड बाई फोर तो थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स मेरी सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन ये x माइनस वाई इज़ इक्वल टू सिक्स से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या बनेगी सिक्स प्लस वाई बनेगी और इसी सिक्स प्लस वाई को किस में पुट कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्या बनेगा x के जगह पे सिक्स प्लस वाई अगर पुट करते हैं तो सिक्स प्लस वाई स्केयर यहाँ एक्स के जगह पे सिक्स प्लस वाई पुट कर दिया प्लस वाई स्क्यर इज इक्वल टू फोर सिक्सटी एट तो इसको सॉल्व करके y निकल जाएगा बहुत ईजी है सिक्स स्केयर इज थर्टी सिक्स देन वाई स्केयर देन टू ए बी ए स्केयर प्लस बी स्केर प्लस टू ए बी फॉर्मूला लगाया यहाँ पर फोर सिक्सटी एट में से थर्टी सिक्स माइनस करेंगे तो क्या बनेगा एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो टू सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे थ्री और फोर अभी ये टू से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडिंग बाय टू कर दीजिए तो वी विल गेट वाई स्केयर प्लस सिक्स वाई माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो तो फाइनली ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है वाई स्केयर प्लस सिक्स वाई माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वाई प्लस एटीन वाई माइनस ट्वेल्व वाई माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन इक्वल्स जीरो फर्स्ट टू टर्म्स में वाई कॉमन और यहाँ पर माइनस ट्वेल्व तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन गई वाई माइनस ट्वेल्व एंड वाई प्लस एटीन इसको सॉल्व करेंगे तो वाई के दो आंसर आएंगे एक ट्वेल्व और एक माइनस एटीन अब देखिए माइनस एटीन तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्यों रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्केयर की साइड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती तो वाई की वैल्यू ट्वेल्व मतलब हमारे पास साइड ऑफ स्केयर टू ईच साइड ऑफ स्केयर टू कितनी आ गई ट्वेल्व आ गई हमारे पास राइट right? तो ये हमारे पास ट्वेल्व मीटर आंसर आ गया है और हमने जो एक्स निकालना है अब तो हमारी पिछली इक्वेशन की तरफ चलते हैं वो इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है तो ये वाई की वैल्यू हमारे इस इक्वेशन में पुट करेंगे देखते हैं क्या बनता है एक्स माइनस वैल्यू ऑफ वाई इज ट्वेल्व तो एक्स इज इक्वल टू एटीन मीटर यानी कि स्केयर वन की जो साइड है वो कितनी आई हमारे पास एटीन मीटर तो इसके दो आंसर स्केयर टू की साइड ट्वेल्व मीटर स्केयर वन की साइड एटीन मीटर आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो हमारी फोर पॉइंट थ्री एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फ़ोर पॉइंट फोर एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे थैंक यू